हाय एवरीवन, आई एम राजन चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बात करेंगे प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान। दोस्तों, आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, हर किसी को पता है, और हर बिजनेस शुरुआत से ही एक मुनाफे वाले बिजनेस का प्लान लेकर के चलते हैं। और बिजनेस के सभी सेक्टर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हर जगह आपको भारी भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और इंटरनेट के कारण लगभग हर बिजनेस का डिजिटाइजेशन हो रहा है। और ऐसे में स्मॉल बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि समय के साथ साथ हर कोई आगे बढ़ता रहता है। लेकिन बिजनेस में रफ्तार लाने के लिए एंड मुनाफे को बढ़ाने के लिए लगातार उस स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा, जिससे आगे चल करके एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सके। और इसके लिए आपको अपने साथ स्मॉल बिजनेस प्रोफेशनल्स के प्रॉफिट्स, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उनका पिछला रिकॉर्ड जो होता है उस पर ध्यान से देखें एंड जरूरत के मुताबिक उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट रखें। आज मैं इस वीडियो में 5 स्टेप्स में बताऊंगा कि किस तरह से एक मुनाफे वाले बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कस्टमर का फीडबैक जाने। आपके कंपटीटर आपसे कहीं आगे ना निकल जाएं, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने कस्टमर का फीडबैक अच्छे से पहचानें और उसको ध्यान में रख करके एक प्लान बनाएं। ये बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस को चाहिए कि वो किसी एक्सपर्ट की राय या फिर हेल्प से कस्टमर फीडबैक की जरूरत को समझे एंड उस पर अलग से वर्क करें। डेटा एनालिसिस आजकल एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और इससे अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में शामिल करें। इससे आप अपने टारगेट कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस करते रहें। मैं बात करूंगा कम खर्चे में बिजनेस को कैसे बड़ा करें। स्टेप नंबर 2, स्ट्रेटेजी बनाएं तो केयरफुली। किसी बिजनेस प्लान को बनाने में प्रॉफिट यानी नफा नुकसान के बारे में ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर बिजनेस प्लान में इसे शामिल करना चाहते हैं तो इसको कम से कम 1 साल का टाइम जरूर दें। स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं उनको अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर के लास्ट डिसीजन जो होता है, या लास्ट डिसीजन को मैं ये बात करूं तो प्लान जो होता है, या फिर आपका बिजनेस का प्लान जो होता है, बिजनेस के जो प्रॉफिट लॉस होते हैं उसके बारे में भी रिसर्च करने के बाद ही आप सोचें। स्मॉल स्केल बिजनेस में मार्केटिंग के लिए बजट लिमिट होता है, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी में यानी प्लान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट शामिल करें जो सबसे ज्यादा फेमस हो, किसी फेस्टिवल एंड हॉलिडे के समय ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए आप मेन प्रोडक्ट को स्टॉक में रख करके प्लान करें। नंबर 3, टाइम टू टाइम चेंजेस करें। कस्टमर के फीडबैक के साथ एंड अपने प्रोडक्ट के चेंजेस के लिए कम से कम 3 मंथ्स का डिफरेंस रखें। अब चेंजेस करने से पहले अपने कस्टमर का फीडबैक जरूर लें, मार्केट रिसर्च करें, जरूरत पड़ने पर चेंजेस करें। अब स्टार्टअप के फेल होने में फीडबैक जो होता है, जो भी फीडबैक होता है वो काफी जरूरी होता है। जब कस्टमर का
रिव्यू जो होता है, रिव्यू प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए पॉजिटिव हो, तो आप रिव्यू या कमेंट का यूज अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 4, बैकअप प्लान तैयार रखें। मार्केट में जब आप किसी बड़े प्रोडक्ट या फिर किसी बड़े ब्रांड के साथ हैवी कंपटीशन का सामना करते हैं, तो उसमें सक्सेस की पॉसिबिलिटी पर हमेशा डाउट बना रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि अपने बिजनेस का बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें। किसी स्पेशल ओकेजन पर अपनी सेल को कम कर सकते हैं एंड अपने प्रोडक्ट की जो काउंटिंग है उसमें प्रॉपर आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नंबर पांच, डिस्काउंट। क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट हो गया या फिर एंड ऑफर की रेंज को आप बढ़ा दें। अक्सर देखा जाता है कि कस्टमर का लगाव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स के साथ रहता है और ऑनलाइन कंपनियां इस डिमांड को पूरा करने में काफी पीछे नहीं है। ये लो तो डिस्काउंट, वो लो तो डिस्काउंट, किसी भी प्रोडक्ट को कैशबैक या ऑफर भी देती हैं। इसलिए ऑफलाइन बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के लिए डिस्काउंट एंड ऑफर की रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका काम बढ़ सकता है इससे। दोस्तों, मेरा ये बिजनेस प्लान कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। अपने दोस्तों तक जो ये बिजनेस करते हैं, अपने रिश्तेदारों तक जो ये बिजनेस करते हैं, अपने भाइयों तक, बहनों तक जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आप ये वीडियो उन सभी तक पहुंचाइए। हो सकता है ये वीडियो उनके काम का हो, उनकी जिंदगी बन जाए, उनको कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए, उनको स्ट्रेटजीज मिल जाए। मेरी तो कोशिश रहती है कुछ नया लेकर के आने की, रिसर्च करने की, ताकि मैं आप सबके लिए कुछ अलग से, कुछ हटके लेकर के आऊं, ताकि आपके लिए कुछ अलग से कर पाऊं। आपका बहुत प्यार मिलता है, उस प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू।